हमार वेन स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन सोनू के संगे। खबर रीमा के सेमैया थाना से है भाई, जहां आमा खवावे के बहाने ले जाए के एक ठे पड़ोसी 3 साल के मासूम के संगे दुष्कर्म के प्रयास कर रहा है। बतावा जाता है कि मासूम अपने मम्मी के संगे अपनी नानी के घरे आई रही। बतावा जाता है कि मासूम अपने मम्मी के संगे सोबत रही, तब पड़ोसी राजेंद्र साकेत पहुंचा और आमा खवावे के बहाने ले जाए के दुष्कर्म की कोशिश करे लाग। बतावा जाता है कि आरोपी का पकड़ लेंगा हब। आई अपना पंचन का सुनाई थे थाना प्रभारी निशा मिश्रा का कहीं। मैडम, ये एक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है, क्या घटना हुआ? वहाँ से करीब अपनी मायके में रुकी थी, तो इसकी 3 साल की बच्ची है, 3 वर्ष 8 माह। इसके पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति है राजेंद्र साकेत, ये बच्ची को बुला के लेकर गया कि बेटा चलो आम खिलाते हैं, और घर से बच्ची को लेकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ गलत संबंध, गलत काम करने का उसने प्रयास किया। खबर रीमा से है भाई, जहां कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में एक ठे बैठक भय, जेमा पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के सेक्टर ऑफिसर, आईएएस अधिकारी, पुलिस अधिकारी और सगले नोडल अधिकारी का निर्वाचन के संबंध में मार्गदर्शन दिए गए। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में सुरक्षा के कड़ा प्रबंध किन गए। रीमा में कोविड टीकाकरण महाअभियान चलावा जात लाग है। बतावा जात है कि जिला के सगले स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में टीका लागत लाग है। वहीं कलेक्टर मनोज पुष्प जिला के सगले नागरिकन से टीका लगवाए की अपने परिवार का सुरक्षित रखे की अपील करी। हम रीमा के सईकड़न मतदाता गाँव बिलहा ग्राम पंचायत कुंडी तहसील त्योथर में रोड न बनई से गुस्तान गांव वाले कमांडो अरुण कुमार गौतम सेना प्रमुख की अगुवाई में अनुभागीय अधिकारी राजेश त्योथर का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम से ज्ञापन सौंपिन हम। रोड ना बनई से गुस्तान गांव वाले चुनाव के बहिष्कार करे के ज्ञापन सौंपिन हम। नहीं, बहुत बड़ी समस्या है, हम लोग 250 साल से आबाद हैं, कोई पहुँच मार्ग नहीं है, हम लोग रास्ते से बाहर नहीं जा सकते, हम लोग मुख्यालय नहीं जा सकते, ग्राम जनपद मुख्यालय, जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, कोई मार्ग नहीं है। अगर आपने आज ज्ञापन दिया है, अब भी आपकी बातें नहीं स्वीकार करते हैं जिम्मेदार अधिकारी, तो क्या करेंगे? यदि साहब अगर कोई अधिकारी नहीं सुनते हैं तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और इसके बाद भी काम अगर नहीं होता तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे तहसील मुख्यालय में बैठ के। चुनाव मान लीजिए नज़दीक है जी, अभी तो ये काम अच्छा सही अभी नहीं सकते। अभी मतदान का बहिष्कार करेंगे साहब। पूरा मामला बताएं। इसमें बिलहा पंचायत में कोई पहुँच मार्ग रास्ता नहीं होने का है, और इसमें काफ़ी जो है पत्र इनने पहले से दिया है, ऐसा लिखा है इनने, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी है इसलिए इसमें अभी कोई कार्रवाई होना संभव नहीं है, लेकिन इनकी जायज़ समस्या है और वो ग्राम के लोग ही आपस में उसको बैठ कर सुलझा सकते हैं। जैसा हमने पता लगाया, आसपास जो है चारों तरफ जो है निजी ज़मीन है, तो आपस में बैठ कर चर्चा करके और उसमें अगर कोई चाहेगा उसमें सभी लोग सहमत होंगे ग्राम के, तो उसमें फिर आगे हम निर्वाचन के बाद जो है उसमें कार्रवाई करेंगे। रीमा मां लोकायुक्त के कार्यवाही सौही आई है, जहां मनीष प्रजापति पिता शारदा प्रजापति शिवपुरवा पाटी बाड़ी के रहने वाले आई, जे सहायक परियोजना समन्वयक अभ्यक्त के पद महामा उनका 20,000 के रिश्वत लेत गिरफ्तार कीन गए। बतावा जाता है कि हॉस्टल के मरम्मत खाते यह रिश्वत लेत रहे हम। अपना का बता दे, यह कार्यवाही जिला शिक्षा केंद्र सतना में कीन गई। रीमा माँ खादी खातिर किसान एक एक बोरी खातिर अपने पूरे परिवार के संगे लाइन में खड़े हम। बतावा जाता है कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के सदस्य किसान सुब्रत मुख्यमंत्री जिला प्रशासन और रीमा जिला के सांसद विधायक सबसे मांग करीन हमा के समिति में खादी मंगवाई जाए। आप देख रहे हैं कि खरीफ का सीजन है, हमारे किसान भाई लाइनों में लगे हुए हैं। ये लाइनें कोई हीरा सोना मोती लेने के लिए नहीं लगी है, ये लाइनें सिर्फ खाद की एक बोरी के लिए लगी हुई है। हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी बेटियां सब ये लाइन में लगी हुई हैं खाद के लिए। किसान खाद के लिए परेशान है। 2 साल पहले यहाँ के केंद्रीय सहकारी बैंक ने एक तुगलकी आदेश जारी किया था, जिन किसानों की जमीनें कहीं मॉर्गेज हैं उन्हें खाद नहीं मिलेगी। तो आप सोचिए, राष्ट्रीयकृत बैंक से किसानों के ट्रैक्टर फाइनेंस होते हैं, किसानों के कर्जे फाइनेंस होते हैं, किसानों की जमीनें 20 एकड़ हो, 10 एकड़, 15 एकड़ सब मॉर्गेज कर लेते हैं एक ट्रैक्टर में। अब किसान जमीन कहाँ से लाएंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से
माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से मांग करते हैं, आप अगर खाद हमें किसानों को रीवा जिले के प्रत्येक 148 सहकारी समितियों से नहीं दिला सकते तो हर किसान का शेयर वापस करवा दीजिए। जितने किसानों का शेयर सेवा सहकारी समितियों में जमा है उनके सबके शेयर वापस करवा दीजिए और किसानों का नाम लेना छोड़ दीजिए। खबर मऊगंज से हवाई, जहां गुजरात से केमिकल भर के यूपी जाता है एक ट्रक नंबर GJ06BT8165 का, आयकर विभाग के कमिश्नर विकास दुबे मऊगंज बाईपास से पकड़ ली हम। बताबा जात है कि टैंकर ट्रक GST टैक्स नहीं दे रहा है। मऊगंज चाक मोड़ में एक ठेका के शराब दुकान से शराब भरत रहे एक बुलेरो गाड़ी में तोड़ फोड़ करी और सूचना में थाना प्रभारी श्वेता मौर्य पहुंची तब तक आरोपी भाग गए रहे। वहीं पुलिस आधा दर्जन आरोपी के ऊपर मामला दर्ज कर ली हम। भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति और सिद्धांत से प्रभावित हुई के जिला पंचायत रीवा के वार्ड से 32 नए सदस्य भाजपा कार्यालय अटल कुंज पहुंच के बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह के हाथे से सदस्यता ली हम। बताए अध्यक्ष जी, आज ये कुछ लोग सदस्यता ग्रहण किए हैं, किन कौन लोग हैं ये, कहां से कहां से है? जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 32 से नवनिर्वाचित जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय श्रीमती उटी गोल जी ने, परहदा की सरपंच श्रीमती सुनीता पटेल जी ने, उनके परिजन और उनके सहयोगियों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। क्या संदेश देना चाहेंगे और जो भी लोग जीत के भी आए हैं उनको क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर आज हमारे पास विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पर विश्वास करके, उनके कार्यों पर विश्वास करके और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर आज पूरा का पूरा समाज भाजपा की ओर अग्रसर है। और सबको यह मालूम है कि अगर हमको समाज के अंदर कुछ करना है, हमारे अपने गांव के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, तो हमको भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा मंच दे सकती है जिसके माध्यम से हम समाज की सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। इससे प्रभावित होकर सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। मैं भाजपा परिवार में उन सबका स्वागत करता हूँ। आज खातिर इतना, बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के संगी, नमस्कार।